अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं जफर अब्बास नकवी, आपका होस्ट प्रोग्राम JIT में। JIT जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको इन्वेस्टिगेशन टिप्स बताते हैं, वो टिप्स जो आपको मुख्तलिफ मुकदमात में कत्ल, नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन और ज़रर के मुकदमात, डकैती, दहशतगर्दी, इस तरह के दीगर PPC के तमाम सेक्शंस के मुकदमात जिनमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान भर की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए ये निकात बताए जाते हैं, और वकला साहिबान और लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी ये पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि वो तमाम साहिबान इससे मुस्तफीद हों और मनशियात के खिलाफ कला कमा करने में हमें कामयाबी और कामरानी नसीब हो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में नारकोटिक्स का नसूर अपने अंजाम से दोचार हो और नौजवान नस्ल को इससे बचाया जा सके, और इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी के जरिए और लीगल प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करने के जरिए हम चाहते हैं कि नारकोटिक्स के खिलाफ जंग को जीता जा सके। नाज़रीन, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा था ज़िमनियात के झोल, आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंट वन। हमारे टॉपिक में आज हम बताएंगे कि मुलज़म का मौकफ आम तौर पे नारकोटिक्स के मुकदमात में अदालत में जाकर क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स मुलज़म रेज करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स का मुलज़म ने फ़ायदा उठाना होता है, जिन पॉइंट्स का फ़ायदा वो उठाने की कोशिश करते हैं, वकीले सफाई इस तरह के बहाने बनाते हैं और इस तरह के पॉइंट्स रेज करते हैं कि मुलज़म की बरीयत की तरफ मामला चला जाता है और इस्तगासा जो अपना केस प्रूव नहीं कर पाती, तो बहुत बेहतर है कि आपने अपने केस में इन पॉइंट्स को तफ्तीश के दौरान साथ साथ ही रद्द करते जाना है, और आपके केस में तफ्तीश के दौरान आपने इस तरह रद्द करना है मुलज़म के बयान को, मुलज़म के जो सवाल जवाब हैं आपके साथ तफ्तीशी के साथ और मुदई के साथ, वो इस तरह से काउच किए जाएं और तहरीर किए जाएं और सवाल जवाब करके किए जाएं कि बाद अज़ां उनका फ़ायदा, उनके सवालात का फ़ायदा या वो मामला, वो पॉइंट्स जो अदालत में जाकर वो उनका फ़ायदा उठाना चाहेगा उनका वो फ़ायदा ना उठा सके, वो कौन से हो सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में, इस डॉक्यूमेंट्री में, इस डिस्कोर्स में, इस लेक्चर में बताएंगे। अदालत में गवाहान के बयानात लाजमी बात है कि बात तरतीब होने चाहिए और पूरे इत्माद होने चाहिए, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग और कोहेरेंट होने चाहिए, बाहम इर्तबात रखने चाहिए, गवाहों के बयानात किसी भी तरह डिफरेंट नहीं होने चाहिए आपस में। दौरान दरियाफ्त मुलज़म के इख्तियार करदा मौकफ को आपने तफ्तीश में आपने झूठा साबित करना है, कौन से वो मौकफ इख्तियार करेगा मुलज़म, मुलज़म को गाड़ी में मनशियात का साबका पहले से इलम होने के मुतलक मजबूत जबानी और दस्तावेजी सबूत आपने हासिल करने हैं, आया गाड़ी मुलज़म जो है इसी गाड़ी का मुसाफिर है कि नहीं या मालिक है इसका, या सवाल ये आपने सवाल जवाब करके वाजे करना है, सवाल जवाब करके वाजे करना है मुलज़म कहाँ से रवाना हुआ, कहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर टिकटें इसने हासिल की, टूल प्लाजा कौन कौन से क्रॉस किए, ये सामने CDRs वगैरह आपने हासिल करनी है ताकि मुलज़म का ये मौकफ रिबट हो जाए कि मैं तो इस गाड़ी में सफर नहीं कर रहा था या मैं इस गाड़ी का मुसाफिर नहीं हूं। ये गाइडेंस हमें मिलती है अहमद गुल वर्सेस एस्टेट में 2015-507 में, फयाज अहमद वर्सेज स्टेट 2014-LHC 1423 में। मुलज़म से तफ्तीशी को ये सवालात करने चाहिए कि आपने मौका से क्यों भागे और आपने अपनी गाड़ी भगाने की क्यों कोशिश की, रेड करने वाले अफसरान की दूर दूर रिहायशें हों और फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड CDR में से एक ही जगह पर आए और बाहम बहुत कम रबते साबित होने चाहिए कि उन्होंने वक़्त मकुआ मुलज़म को पहली बार देखा, यह भी आपने साबित करना होता है, और उनकी मुलज़म के साथ कोई साबका रंजिश नहीं है और कोई जान पहचान नहीं है, यह भी तफ्तीशी अफसर ने साबित करना होता है, इससे केस मजबूत होता है और इस तरह केस को बरीयत की तरफ जाने की बजाय कन्विक्शन की तरफ ले जाता है। मुलज़म से दुश्मनी, बोगज़, अनाद, बदमजगी, गुस्सा, मुँह मारी और लड़ाई झगड़ा, मनजाना पुलिस आपने मिसल में रिबट करना है। मुलज़म अक्सर ये मौकफ इख्तियार करेगा कि मेरी झगड़ा हो गया था, मेरे ये मामला हो गया, मेरे पुलिस के साथ इस तरह के तनाज़ात बने और इस तरीके से पुलिस ने मुझे ये कारगुजारी दिखाने के लिए मनशियात मुझ पर प्लांट कर दी गई। मुलज़म का अक्सर यह मौकफ होगा कि मुझे घर से उठाया गया है, मुझे गिरफ्तार घर से उठाकर किया गया है और अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए मुझे पकड़ा था। मुलज़म से और यानी कि मुलज़म से कुछ बरामद ना हुआ, ये मुलज़म कहेगा, और ना ही वो ये कहेगा कि मेरी निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है, कोई निजी गवाह मेरे खिलाफ पेश नहीं हुआ, कोई किसी दूसरे शख्स से बरामदा चर्च मुझ पर डाल दी गई है। इस तरह के जो फेलेशियस और बेसलेस मौकफ हैं वो मुलज़म अक्सर इख्तियार करते हैं अदालतों में जाकर, और उनके वकील सफाई भी इस तरह के मौकफ को प्रोजेक्ट करते हैं और ये भी कहते हैं मुलज़मान के मुझसे रिश्वत तलब की गई है, वक्त बरामदगी और गिरफ्तारी मैं मौका पर मौजूद नहीं था, मेरा मौकफ रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, इसे सवाल जवाब करके आपने इन तमाम मामलों को नलीफाई करना है, और यह भी वादे करना है कि मुलज़म को गलत मलफ़ज़ करने की कोई खास वजह हरगज़ न थी।
इस काम करने के लिए आपको चाहिए कि मुल्ज़िम की वीडियो बनाकर मंशियात जिसको फरोख्त कर रहा है उसकी खुफिया कैमरे से वीडियो बनाई जा सकती है। इसके अलावा आप अवर्ट वीडियो बना सकते हैं, जब रिकवरी उस मुल्ज़िम से हो जाए उस वीडियो और डॉक्यूमेंटेशन को फोटोग्राफी को आप मिसल के साथ लगा सकते हैं। उसमें यह साबित होगा कि वो किस को किन किन औकात में फरोख्त करता है, कितने अरसा से ये फरोख्त कर रहा है, तरीका का इसका वसूली का क्या है, रिकॉर्डिंग इसकी हो जाएगी तो ये बनाकर हम लफ रिकॉर्ड बदरिया फर्द करेंगे और बाद से दीगर मुल्ज़मान जो उस वक्त फरोख्त कर रहे थे उसके हमरा या खरीदो खरीद कर रहे थे तो उनको पकड़ने में बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर कार के बम्पर में से बरामदगी हो जाए तो इसकी भी तस्वीरें और वीडियो बनाकर आप लफ रिकॉर्ड करके सवालों जवाब करके मुल्ज़िम को झूठा साबित कर सकते हैं। ये रहनुमाई हमें हासिल हुई थी 2018 PCRLJ 354 में। मिसल में मुल्ज़िम की हर बार तफसीली दरियाफ्त डालनी है, ये नहीं कि आपने ऊपर वाली जो पहले फिक्रे आप मुल्ज़िम ने बोल दिए उसी की दरियाफ्त को आप आगे बढ़ाते चले जाएं। हर बार मुल्ज़िम से तफसीली दरियाफ्त आपने बीच में लिखनी है और उसको शॉर्टन करने की कोशिश नहीं करनी। ज़्यादा बरामदगी के केसों में आपने कोशिश करके मुल्ज़िम का इकबाल जुर्म रूबरू मजिस्ट्रेट करा लेना है ताकि बाद अज़ां वो मुकर न सके और मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान जो दिया जाएगा वो उसकी वैल्यू एविडेंशियल वैल्यू और मजबूती होगी, ठोस हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा केस आपका। याद रहे कि मुल्ज़िम का ज़िमनी में अव्वलीन बयान काबिले अदखाले शहादत है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है अदालतों में। जो पहला बयान मुल्ज़िम अपना इंट्रोडक्शन कराता है या अपने जुर्म के मुतल्लिक बताता है, अपनी फैमिली का तारफ कराता है या वो अपना बयान अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक देता है, वो बयान काबिले अदखाले शहादत है। यह बात आपके नोटिस में होनी चाहिए। पुलिस वाले अक्सर मुल्ज़िम कहते हैं कि पुलिस वाले मेरे घर के सामने ही खड़े रहते थे इसलिए तलख कलामी हो गई, ये भी मौक़िफ़ रद्द करें और साबित करें कि मुल्ज़िम का वटक मंशियात के अलावा दीगर कोई ज़रिया आमदन ना है, इसके अकाउंट में बड़ी रकम भी मंशियात की आमदन से कमाई गई है। ये रहनुमाई हमें माखूज हुई है 2014 PCRLJ 267 से। इसके अलावा पुलिस के साथ साबका रंजश, मुल्ज़िम अक्सर ये कहेंगे वो आपने साबित करना है कि कोई पुलिस के साथ रंजश नहीं थी, पुलिस ने साबका दुश्मनी की वजह से ये पर्चा हरगज़ दर्ज नहीं किया और ना दरख्वास्तबाजी मुल्ज़िम की पुलिस के साथ पहले थी कोई, ना कोई रिटबाजी थी और ना ही हाई कोर्ट में मुल्ज़िम ने कभी पुलिस के खिलाफ कोई रिट की थी, ना 22A और 22B की कोई कंप्लेंट और कोई दरख्वास्त सेल में इसमें दी गई थी मुल्ज़िम की तरफ से पुलिस के खिलाफ, लिहाजा पर्चा भी बेहतरीन तरीके से जो जेन्युइन वकूआ है, जेन्युइन बरामदगी है, जेन्युइन रिकवरी है और जेन्युइन तरीके से मुल्ज़िम से ये रिकवरी की गई है और इनेक्ट की गई है और पर्चा भी बिल्कुल असल है और असल के अलावा जेन्युइन रिकवरी करके पुलिस अफसरान ने ये पर्चा दर्ज किया है और ये मुल्ज़िम ये भी मौकफ लेगा कि मैंने अफसरान के खिलाफ रिट हाई दायर कर रखी थी और तमाम गवाह पुलिस अफसरान हैं लिहाजा मेरे खिलाफ पुलिस ने एक मुश्तरका साजिश की है, ये चीज़ें आपने रिबट करवानी है अपनी तफ्तीश में ताकि बाद में इसका फ़ायदा मुल्ज़िम ना ले सके। हम इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ऐसे पॉइंट्स बताते रहेंगे अगली एपिसोड्स में, मुल्ज़िम जो मुल्ज़िमान पुलिस के खिलाफ या लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, कस्टम वालों के खिलाफ, एक्साइज वालों के खिलाफ, जो जो डिपार्टमेंट मनशियात के मुकदमात को दर्ज करता है और मुजरमान को कैफरे किरदार पहुँचाने की कोशिश करता है उसके मुतल्लिक मुल्ज़िमान का मौकफ अदालत में ये होता है जो मैंने आपको पहले बताए हैं और आइंदा किस्तों में भी हम आपको बताते रहेंगे कि मुल्ज़िमान क्या मौकफ इख्तियार करते हैं और उसको कैसे रिबट करना है और क्यों रिबट करना है क्यों तरदीद करनी है ताकि मुल्ज़िमान ऐसे मौकफ का फायदा ना उठा सकें। नाज़रीन अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी रिसर्च, हमारा वे ऑफ टॉक और साथ में हमारी स्टूडियो की सेटिंग्स अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिएगा, खासतौर पर जब अगर आप अदम इतफाक़ करते हैं या अपने पॉइंट्स नए हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट्स हमारे में इजाफा करना चाहते हैं, हमारे नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं या आपने हमारे से बेहतर रिसर्च कर रखी है या किसी और केस में से हमें आप मालूमत बहम पहुँचाना चाहते हैं तो फिर भी हम आपको वेलकम कहेंगे। अगर आप मुझसे लेक्चर दिलवाना चाहते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और इसके अलावा अगर आप किसी तालीमी इदारे में हमारे साथ हम मुझसे लेक्चर दिलवाना चाहते हैं किसी लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से, लीगल लॉ इंस्टीट्यूट्स मुझसे लेक्चर दिलवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के नीचे जाहिर हो जाएगा। अगर आप मंशियात के नासूर के खिलाफ हमारे कंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी NGO जो सैयद जुल्फकार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी गढ़ी शाहू लाहौर में ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के तौर पर चला रहे हैं, पिछले 40 साल से मंशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।